हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं लिथियम सेल और एक BMS का यूज़ करने वाला हूं। यह कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएंगे। बैटरी पैक बनाने से पहले सभी बैटरी को चार्ज कर लेना है। मैंने सभी बैटरी को फुल चार्ज कर लिया हूँ। ये तीनों सेल को ग्लूगन से चिपका देते हैं। चिपकाते समय आपको पहली बैटरी का माइनस, दूसरी बैटरी का प्लस और तीसरी बैटरी का माइनस एक ही दिशा में रखना है, एक ही साइड, जैसा कि देख ही सक रहे हो आप। अब हमें तीनों सेल को सीरीज में करना है। सीरीज में करने से इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा। यह एक सेल 3.7 वोल्ट का है, जो फुल चार्ज होने पर हमें 4.2 वोल्टेज आउटपुट देता है। तो सीरीज में करने से इसका आउटपुट वोल्टेज फुल चार्ज करने के बाद 12.6 होगा। इसका कनेक्शन करना बहुत आसान है। पहली बैटरी का माइनस, दूसरी बैटरी का प्लस और तीसरी बैटरी का माइनस कुछ इस पोजीशन में ही रहेगा। हमारा 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कनेक्शन बता देता हूँ, कनेक्शन कैसा करना है। कनेक्शन करना बहुत सिंपल है। ये जो आप ब्लैक माइनस देख रहे हो, यहाँ से मैं माइनस, और जो रेड प्लस देख रहा हूँ वहाँ से मैं प्लस। और बैटरी को मैंने सीरीज में कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हमें 12 वोल्ट माइनस आउटपुट देगा और यहाँ से प्लस। यह B2 है और यह B1 है। इस बैटरी को सेफ्टी तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए हमें एक BMS की आवश्यकता होगी। तो यह एक BMS आपको ख़रीद लेना है। यह अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। अब इसका कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करना भी बहुत सिंपल है। कनेक्शन करने के पहले मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर लिया है, ताकि यह इसमें सोल्डरिंग करने में आसानी जाए। BMS में जो B- व B+ लिखा है, वहाँ पर हमें बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस दोनों को सोल्ड करना है। मैं इसका सोल्डरिंग कर लिया हूँ B- का। अब बारी है B+ का सोल्डरिंग करने की। तो B+ का भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। और जहाँ B1 लिखा है, हमें पहली बैटरी से जो B1 का तार निकाले थे उसे सोल्ड करना है। और जो B2 लिखा है, वहाँ से हमें दूसरी बैटरी का वायर को सोल्ड करना है। बहुत सिंपल है इसका कनेक्शन, कोई भी आसानी से कर सकता है। इसका डायग्राम आपको मैं शो भी कर दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। मैं जल्दी से BMS का कनेक्शन कर लेता हूँ। तब तक दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको BMS का कनेक्शन सही तरीके से करना है, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपका BMS ख़राब कर सकती है। तो फाइनली इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी, मैं आपको एक बार इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ। जो BMS में P- व P+ लिखा है, हमें वहाँ पर मल्टीमीटर लगाना है। ये जो आपको BMS में P+ व P- दिख रहा है, यहाँ से हमें बैटरी को चार्ज व डिस्चार्ज करना है। तो इसके लिए मैं इसमें दो तार सोल्ड कर देता हूँ। मैंने इस बैटरी का कवर बनाने के लिए PVC शीट से कुछ PVC के टुकड़े नाप कर कट कर लिए हैं। मैं इसे थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग दे देता हूँ। तो फाइनली मैंने इसका कवर बना लिया है, देख सक रहे हो आप। इसमें आसानी से चले जा रहा है। अब इसके कवर लगाने से पहले मैं इसमें दो स्क्रू लगाऊँगा, जहाँ से हम इसे आउटपुट ले सकेंगे व जिससे चार्ज भी कर लेंगे। तो इसे मैं जल्दी से इसमें आपको लगा कर दिखाता हूँ। मैंने दोनों स्क्रू को लगा दिया, साथ ही मैंने जो BMS आउटपुट लिया था उसे भी स्क्रू के साथ लगा दिया है। अब इसमें मैं डबल साइडेड टेप चिपका कर इसे डब्बे के अंदर डाल दे। अब इसका कवर लगाना है। तो कवर लगाने से पहले सेल व स्क्रू के बीच शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए इसमें थोड़े से ग्लू चिपका देते हैं। कवर को भी ग्लू गन से चिपका देते हैं। तो यह बनकर बैटरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें मार्कर पेन से प्लस और माइनस भी लिख दिया है। मैं आपको इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो ये रहा मल्टीमीटर, और देख ही सक रहे हो आप, यह हमें आउटपुट में 10.71 वोल्टेज दिखा रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।